ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। मध्य प्रदेश के वी डी शर्मा ने लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि लोकतंत्र के महापर्व का शंखनाद चुनाव आयोग ने शनिवार को किया है। मध्य प्रदेश के 29 लोकसभा सीटों पर चार चरणों में 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई एवं 13 मई को मतदान होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भाजपा का हर एक कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर अपनी तैयारी के साथ मैदान में जुट गया है। जो सबसे बड़ा चुनावी पर्व है, आज उसकी चुनाव की घोषणा पूरे कार्यक्रम चुनाव आयोग ने आज घोषित किया। मैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का उनका बहुत हृदय से हम धन्यवाद करते हैं और जिस प्रकार से आज पूरे चुनावी प्रक्रिया को इलेक्शन कमीशन ने पूरी तैयारी के साथ के पारदर्शिता से लेकर स्वच्छता से कैसे चुनाव कराए जाएं, ये सारी बातों का उल्लेख सारे नॉर्म्स के साथ आज इलेक्शन कमीशन ने देश के सामने रखा है। 7 चरणों में देश के अंदर चुनाव होगा, 97 करोड़ के लगभग मतदाता इसमें भाग लेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का महापर्व है और ऐसे लोकतंत्र के महापर्व में मध्य प्रदेश 4 फेजों के अंदर जो घोषित हुआ है, 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई और 13 मई 4 फेजों में मध्य प्रदेश के चुनाव होंगे 29 लोकसभाओं के। भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग का धन्यवाद भी करती है और इन 4 फेजों में एक तैयारी के साथ इस लोकतंत्र के महापर्व में मध्य प्रदेश की भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ज्यादा से ज्यादा मतदान हो और इस लोकतंत्र के महापर्व में अमृतकाल के समय में ज्यादा से ज्यादा सहभाग हो, ये भी प्रयास भारतीय जनता पार्टी पहले भी करती आई है और फिर इस चुनाव में करेगी। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।